बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग की पहली वीडियो के साथ। इससे पहले इसकी एक हम इंट्रोडक्टरी वीडियो कर चुके हैं, जिसमें हमने इसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में और ये डिस्कस किया कि हम इस कोर्स में, इस ट्रेनिंग में क्या डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग में, कल हमने जिक्र किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैकर्स का। तो कल हमने इसमें तीन हैकर्स की टाइप डिफरेंट डिस्कस की थी, ब्लैक हैट हैकर्स, व्हाइट हैट हैकर्स और ग्रे हैट हैकर्स। इसके अलावा भी कुछ इसमें हैकर्स की जो एग्जाम होती हैं, उन सबका जिक्र यहाँ पे है। आप देख सकते हैं ब्लैक हैट हैकर्स हमने जैसे कल बात की कि वो होते हैं जो कि अपने पर्सनल गेन के लिए दूसरे का नुकसान करते हैं, सिस्टम्स को हैक करते हैं, उसके बदले में लोगों से पैसे लेते हैं। रैंसमवेयर जो है उसमें से एक किस्म है, और इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम है। व्हाइट हैट हैकर्स वो लोग होते हैं जिनको मुख्तलिफ कंपनीज हायर करती हैं। इनकी हैकिंग टेक्निक्स, इनकी हैकिंग स्किल्स बिल्कुल उसी तरह से होती हैं जिस तरह ब्लैक हैट हैकर्स की होती हैं, लेकिन ये किसी भी सिस्टम को, किसी भी कंप्यूटर को, किसी भी नेटवर्क को कॉम्प्रोमाइज करने से पहले उस नेटवर्क का जो कस्टोडियन होता है, जो उसको उस कंपनी का जो मालिक होता है या उस कंपनी को, जो नेटवर्क को जो देख रहा होता है, उसकी इजाजत लेते हैं और उस इजाजत के साथ उसकी कमजोरी या वीकनेस को चेक करते हैं और उसको हैक करके देते हैं और फिर बताते हैं कि ये इस तरह से हैक हो सकता है और आप इस कमजोरी को, इस वल्नरेबिलिटी को, इस वीकनेस को खत्म करें ताकि लोग आपके सिस्टम को हैक ना कर सकें। ग्रे हैट जो है वो इन दोनों के दरमियान की एक स्टेट है। अगर हम बात करें ग्रे हैट की, तो बेसिकली ये व्हाइट हैट हैकर्स होते हैं, लेकिन कभी कभार सम टाइम अगर हम बात करें तो ये किसी तरह से कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी कर जाते हैं, ऐसे काम भी करते हैं जो कि ब्लैक हैट हैकर्स बेसिकली कर रहे होते हैं। तो सादा अल्फाज में मैं अगर कहूँ तो ग्रे हैट हैकर्स जो है वो व्हाइट हैट हैकर्स और ब्लैक हैकर्स के दरमियान की जो है वो एक किस्म है। सुसाइड हैकर्स, जिस तरह से नाम से जाहिर है, जिस तरह सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं, इनको इस चीज से कोई परवाह नहीं होती। जब ये हैकिंग कर रहे होते हैं तो ये इस चीज का ख्याल नहीं रखते कि हम जहां से कर रहे हैं तो हम ट्रेस बैक भी किए जा सकते हैं, हम जो है वो हमें कोई पकड़ भी सकता है वापस पुलिस। ब्लैक हैट जब भी कोई काम कर रहे होते हैं तो वो बहुत केयरफुल होते हैं, वो जब अपना काम कर जाते हैं तो अपने पीछे जो निशानात होते हैं, जिस तरह से कदमों के निशानात तो हैं, अगर चोर होता है वो कदमों के निशानात मिटाता है अपने, या उसको डिसीव करता है ताकि पुलिस उस तक ना पहुंच सके। तो ब्लैक हैट हैकर जो होते हैं वो जो एक्टिविटी करते हैं तो वो ऐसी प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके से काम करते हैं कि कोई वापस उन तक जो है ना वो ना पहुंच सके। जबकि जो सुसाइड हैकर होते हैं वो इस चीज की परवाह किए बगैर खुदकश बम्बार की तरह बस किसी से भी अपने लेजिटिमेट आईपी से, किसी अपने फोन से, अपने नेटवर्क से ये काम करते हैं और जब उसको ट्रेस बैक किया जा सकता है तो वो पकड़े भी जा सकते हैं। स्क्रिप्ट किडीज के बारे में हमने बहुत डिस्कस किया, तो इसमें कल हमने बात की थी और यही मैं दोबारा इसमें ये कहना चाहूंगा कि स्क्रिप्ट किडीज वो लोग होते हैं जो कि कहीं से, नेट से, यूट्यूब से या किसी जगह से वो छोटा सा कोई एक पैच जो काम वो करना चाहते हैं उसको देखा, उसको किया और उसके बाद जो है वो अगर वो हैक हो गया तो वेल एंड गुड, ना हुआ तो उसको छोड़ दिया। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि स्क्रिप्ट किडीज जो है वो इसको हमको करते करते एवेंचुअली दे टर्न इनटू द व्हाइट हैट और ब्लैक हैट हैकर्स, ज्यादातर ब्लैक हैट हैकर्स बनते हैं, और अगर वो किसी, इनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले दे कैन टर्न इनटू अ व्हाइट हैट हैकर एज वेल। साइबर टेररिस्ट जो होते हैं, ये टेररिस्ट टर्म है, और साइबर आपको पता है कि हैकर्स की वो किस्म जो कि मुख्तलिफ कंट्रीज पर, कंट्री लेवल पर जो है मुख्तलिफ अटैक्स कर रहे होते हैं और साथ में अपना पर्सनल गेन के लिए ये ज्यादातर जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर मुख्तलिफ सिस्टम्स पर, मुख्तलिफ नेटवर्क्स पर जो है वो अटैक करते हैं। स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स ये जो है वो होते हैं जिनके, जिनको पीछे से बैक से जो है वो पूरी स्टेट की जो है वो कह लें कि वो होती है पुष्ट पनाही होती है। मसलन अगर जो है अगर हम बात करें कि चाइनीज हैकर्स जो हैं वो खुद से ना करें, उनको बल्कि स्टेट की तरफ से जो है एक मोटिवेटेड, मोटिवेट करके या उनका ग्रुप होता है जिसको फिर स्टेट स्पॉन्सर करती है और वो लोग जो है फिर हैकिंग एक्टिविटीज कर रहे होते हैं उनको स्टेट स्पॉन्सर हैकर्स कहते हैं। इसी तरह से रशियन हैकर्स जो है अगर वो चाइना पर या यूएस पर अटैक कर रहे होते हैं दोज आर नोन एज स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स। हैक्टिविस्ट कौन होते हैं? हैक्टिविस्ट वो लोग होते हैं जो कि किसी काज के लिए
सोशल काज के लिए या कुछ और इस तरह के जो है वो पर्पजेस के लिए जो है वो हैकिंग। इससे ये मुराद है बेसिकली ये वर्ड दो चीजों से मिलकर बना है, हैकिंग और एक्टिविज्म। मतलब किसी सिस्टम में किसी कंप्यूटर में उसको हैक करने का मकसद ये हो, कुछ सोशल मोटिवेशन हो, कुछ सोशल पर्पज हो, तो उसको हैक्टिविज्म कहते हैं। तो हम आगे इससे बात करते हैं जी। ये एक मशहूर चाइनीज कहावत है कि अ जर्नी ऑफ अ थाउजेंड माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। तो जी वो सिंगल स्टेप अगर आज आप लेंगे तो और इसको हमारे सीरीज को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपका भी एक जो है वो थाउजेंड माइल का जो जर्नी है वो उसके लिए इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक पहला स्टेप जो है वो साबित हो। और इसमें हम जो है आगे थोड़ी सी ये बात कर लेते हैं, टेक्निकल चीज आ गई है कि हम जो है मुख्तलिफ जो नेटवर्क्स हैं अपना खुद नेटवर्क क्रिएट करेंगे, हैंड्स ऑन करेंगे, और उसके साथ साथ उन हैंड्स ऑन को जब हम आपको करवा रहे होंगे या हैंड्स ऑन बता रहे होंगे तो उसमें किस तरह से आप अपनी लैब बनाएंगे और किस तरह से वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, किस तरह से मुख्तलिफ जो है वो विंडोज के वल्नरेबल वर्जियंस या विंडोज की जो है ना मशीन वीएम बना रहे होंगे, वीएम कैसे इस्तेमाल करते हैं, सैंड बॉक्स कैसे चलाते हैं, ये सारी चीजें हम आपको हैंड्स ऑन जो है इस सीरीज में बता रहे होंगे। हाँ, यहाँ पर एक बहुत अहम चीज है, इसमें मैं जरूर आप लोगों से एक अंडरटेकिंग लेना चाहूंगा। उस अंडरटेकिंग में जो है वो आपसे एक इखलाकी तौर पर होगी कि आप एक चीज को ओथ देंगे कि आप जब ये चीज सीख रहे होंगे तो इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ सीखना होगा, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाना, ना ही स्टेट को, ना ही अपना किसी जो है वो कंपनी को। और इसको सीख कर आप इसका अगर आपको बहुत ज्यादा शौक है, अगर आपको बहुत जो असल पर्पस है हमारा, जो असल मकसद है इस चीज का, जो कि मैं स्लाइड पर बयान करूंगा, वो उसका असल मकसद ये है कि हम आपको बग बाउंटी करना सिखाएं। बग बाउंटी क्या चीज है? बग बाउंटी ये है कि ये जो आप जो चीजें सीखेंगे, अगर आपको बहुत शौक हो रहा है और बहुत दिल कर रहा है कि आप इसको प्रैक्टिकली कहीं करके देखें, सो इस पे मैं डिटेल इस पे हम वीडियो बनाएंगे कि बग बाउंटी क्या है। आपको नेट पे मिल भी जाएंगी, लेकिन हम भी इस सीरीज में जो है वो जिक्र करेंगे किस तरह से जो है ना उन वेबसाइट्स पर जाकर बग बाउंटी की जो साइट्स हैं वहां पर आप देखते हैं कि कौन से मुख्तलिफ कंपनीज इनवाइट कर रही होती है, कहते हैं आप आए, आप हमारे सिस्टम को देखें, आप इस हमारे सिस्टम पर जो है वो टेस्ट करें और उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, वीकनेसेस हैं, वो हमें जो है ना वो आइडेंटिफाई करके दें और उसके बदले में वो आपको बाउंटी कहते हैं इनाम को, रिवॉर्ड को। तो आप बग कहते हैं उसके अंदर जो प्रॉब्लम है, जो बग है, उस बग को ढूंढें और उसके अगेंस्ट वो आपको डिफरेंट रिवॉर्ड हैं। समटाइम कोई कंपनी $500 भी देती है, $100, $1000, डिपेंड करता है कि कंपनी कितनी बड़ी है और आपने उसका कितना इंपॉर्टेंट जो है वो वीकनेस या बग जो है वो ढूंढा है। तो यहाँ पर खत्म करते हैं आज की इस वीडियो को और इसके बाद हम जो है नेक्स्ट इंशाल्लाह इस सीरीज में इस हैकिंग कॉन्सेप्ट से थोड़ी सी स्टार्ट करेंगे और फिर इसकी इंस्टॉलेशन और काली लिनक्स के बारे में। काली लिनक्स जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पर ऐड करूंगा कि काली लिनक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे हैकिंग के फ्री टूल्स जो है पहले से इंस्टॉल शुदा आते हैं। हम उसको वर्चुअल इन्वायरमेंट में किस तरह से जो है वो उन टूल्स को किस तरह से वर्चुअल इंस्टॉल इन्वायरमेंट में कैसे पहले इंस्टॉल करेंगे और कैसे इसको चलाएंगे और फिर उसके अंदर जो मौजूद टूल्स हैं जो कि सैकड़ों की तादाद में हैं उनको इस्तेमाल किस तरह से करना है। तो इस पर हम अपनी आज का सेशन जो है, आज की जो वीडियो है वो खत्म करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को जो है वो इसके साथ अगली सीरीज की जैसे जैसे चीजें वीडियोज आती रहेंगी आप लोग उसको देखेंगे, फॉलो करेंगे और आपकी जो सजेशन या राय हो उसका जरूर इजहार करें कमेंट्स में ताकि हम अपने इस वीडियोस को या आने वाली वीडियोस को उस हिसाब से बेहतर बना सकें। शुक्रिया।